किसी औरत के दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहते हो तो उसकी तारीफ करो, क्योंकि तारीफ औरत की कमजोरी होती है। औरत को एक लम्हे के लिए भी मोहब्बत का एहसास मिले तो वो इस लम्हे में कैद हो जाती है। गैर महरम के मामले में औरत का बदखलाकी होना ही अच्छा होता है, किसी नाअहल मर्द की पहली बीवी बनने से बेहतर है किसी काबिल और जिम्मेदार शख्स की दूसरी बीवी बन जाओ। जब शादी अपने घर वालों की पसंद से करनी होती है तो बात भी घर वालों की पसंद के शख्स के साथ ही किया करो। शक से खराब होने वाले रिश्ते कस्मों और गोहियों से भी ठीक नहीं हो पाते, लिहाजा शक को कभी भी अपने रिश्ते में जगह मत दो। दुख की इतनी कस्में हो गई हैं कि दिल की समझ में ही नहीं आता कि किस चोट को कैसे महसूस करे। इजहार का देना बेहतर होता है, वरना पछतावा उम्र भर का रोग बन जाता है। मोहब्बत अगर सिर्फ फूल देने से ही बढ़ती तो माड़ी और फूल बेचने वाले सारी दुनिया के महबूब होते, कदर चीज़ों की नहीं जज्बात की होती है। एक बुजुर्ग खातून कहने लगी, बेटा मर्द की तीन हरकत औरत बहुत पसंद करती है जो अक्सर लोग नहीं जानते। नंबर एक, बीवी के हाथों को अपने हाथों में थामना, इससे बीवी इत्मीनान और राहत महसूस करती है। नंबर दो, अगर बीवी किसी वजह से परेशान हो और रो दे तो इसके आंसू साफ करना। नंबर तीन, बीवी से ये कहना कि मुझे आपसे मोहब्बत है, ये कहने से बीवी के दिल में आपकी मोहब्बत और बढ़ जाएगी और मुमकिन है वो भी आपसे ऐसे कर्मात का तबादला ख्याल करें। याद रखो, इस दौर में अगर आपके पास कुछ नहीं तो आपके अपने भी पराए बन जाते हैं, इसलिए खुद से मुखलिसी करो। और जब तुम्हारे पास मानो दौलत होगी तो ये दुनिया तुम्हारे कदमों में सर रखेगी। कामयाबी चाहते हो तो इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करो। और जो लड़की आज तुम्हें इग्नोर करती है ना, आपसे पागलों की तरह मोहब्बत करेगी। तो फ्रेंड, आज की हमारी ये वीडियो ख़त्म हुई। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।